नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात। आज के लाइव कॉन्सर्ट को लेके हम फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष। तो उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और नाश्ता वगैरह करके बैठे होंगे। तो इसी से यही से बात शुरू करते हैं कि आजकल पौष्टिक आहार जो है वो मुश्किल से मिलता है, स्वादिष्ट मिल जाता है, देखने में अच्छा मिल जाता है, लेकिन पौष्टिक आहार जो है वो मुश्किल से मिलता है। तो इसी तरह से जो कलाएं हैं उसमें खास करके संगीत जो है वो भी हमारी रूह की एक पौष्टिक खुराक है, लेकिन उसमें भी जो है वो पौष्टिकता आजकल कम होती जा रही है। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा हमें अनचाहे भी देखने सुनने को मिलता है जो हमारी रूह के लिए पौष्टिक नहीं होता। तो इसी प्रयास को लेकर आज हम आपके सामने एक रूह की खुराक पौष्टिक आहार रूह का जो लेके आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो आज के हमारे जो कलाकार हैं उनके बारे में वैसे बाद में प्रोफेसर निर्मल जी आपको डिटेल में बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस जो है वो एक ऐसी धरती है जहाँ पे मिठास स्वतः ही आ जाती है नाम लेते ही, गाने में हो चाहे स्वभाव में हो। तो वहीं से जो ठुमरी के सम्राट कहे जाते हैं पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, उनके सुपुत्र और उनके शिष्य भी पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनसे हम आज के इस लाइव कॉन्सर्ट में बनारस की जो मिठास है उसको उसका रस पान करेंगे आज। तो आज मैं ज़्यादा देर अभी आपके बीच में ना रहते हुए अभी आमंत्रित करूँगा प्रोफेसर नीलम पौल जी को कि जो वो पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी और उनके सहयोगी कलाकारों से आपका इंट्रोडक्शन करवाएं और उनको आमंत्रित भी करें। प्रोफेसर नीलम पौल जी, थैंक यू डॉक्टर राय बहादुर सिंह। जैसा कि डॉक्टर राय बहादुर ने बताया कि आज हम एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए वेबिनार में जुड़े हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे प्रिय भाई पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपके साथ तबले पर सिद्धांत मिश्रा जी और बांसुरी पर प्रांजल जी और तानपुरे पे आपके सुपुत्र शुभ जी, सब लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है सभी को। तो साथ ही साथ आपके साथ हमारे ऑनलाइन फेसबुक से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं दर्शकों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और स्क्रीन पर अपने डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रभाकर कश्यप जी, डॉक्टर गुरदयाल नामधारी जी और हमारे एल्यूमिनाई डॉक्टर कुलदीप रैना जी भी जुड़े हुए हैं। तो सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मैं ब्रीफ में अपने आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका आपके साथ तारुफ कराना चाहती हूँ। पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा इज टुडे वाइडली अप्रिशिएटेड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, अ क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। His consistently brilliant and exciting performances has not only established him as a national treasure in his own country, but has gained fame worldwide. This eminent Indian classical vocalist represents the Banaras Gharana and is a proficient singer of various other genres of Hindustani vocal music like Khayal, Tumri, Dagra, Chaiti, Kajri, etc. An extremely popular artist, he is the inspiration of young generation with his magical singing. He has attracted the young generation towards the Indian classical music in a career spanning more than 20 years. It was Pandit Ganesh Prasad Mishra's father, Pandit Mahadev Prasad Mishra, again an eminent vocalist of his time and popularly known as Thumri Samrat. Inculcated the interest of Indian classical music into his son, and it was at the tender age of 7 years he began taking lessons from his father. He was widely acclaimed right from his early on-stage performances.
पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा हैज परफॉर्म्ड लाइक एट न्यूमरस रीजन्स इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लाइक पेरिस स्विट्जरलैंड थाईलैंड एक्सेट्रा. He is a genius in his sphere of Indian classical vocal rendition. The fact has further highlighted by the numerous prestigious awards that were conferred to him. Music is worship for him, and his reverential attitude is reflected in his performances to popular and ancient temples of Varanasi. He runs his own academy in Varanasi and has trained about 300 students in different capacities. His trained students are taking forward the legacy in various ways. Pandit Mishra has gained wide appreciation from great musicians like late Srimati Girija Devi ji, Pandit Ajay Chakravarti ji, Srimati Asha Bhosle ji, Pandit Rajan and Sajan Mishra ji, Pandit Ulhas Kashalkar ji, or Sushri Kaushiki Chakravarti ji, and many others. This year he performed in Sankat Mochan Sangeet Samaroh, which is a very prestigious platform for musicians, and the voyage seems to be endless. Some awards I want to announce here. Bokaro International Film Festival Swarn Shringar Ratna Award, Baiju Bawra Alankaran by Baiju Bawra Sangeet Academy, Kishan Maharaj Foundation Patna, and more than 50 awards like Bharat Bhavan Bhopal, ITC Kolkata, Sangeet Natak Academy, Ganga Mahotsav, Kajri Mahotsav, Sangeet Natak Academy ka dobara phir se aapka, aur Swatantrata Bhavan, Varun Mahotsav, Durga Sangeet Samaroh, ye different jagah se aapko awards mile hain. इसके अलावा आपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन थाईलैंड में एन इवनिंग परफॉर्मेंस पेरिस फ्रांस में और स्पेशल बनारस म्यूजिक एंड डांस पता नहीं ये कुछ अंग्रेजी में अलग सा है जिनेवा में और बोकारो में आपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया है. तो आज ये मैंने बहुत ब्रीफ में करने का प्रयास किया है आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग सभी गाने को सुनने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, तो कलाकार और श्रोताओं के बीच में ज्यादा ना रहने की इच्छा से अब मैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी से आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो अपना आज का जो कार्यक्रम है हम सब श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें. आपका और आपकी टीम के सदस्यों का स्वागत है. गणेश प्रसाद जी प्लीज. माइक ऑन कर लीजिए अपना. आप सभी संगीत अनुरागी सभी हमारे गुणीजनों को हमारी ओर से प्रणाम. हमारी परम आदरणीय दीदी मिलन दीदी को कोटिस प्रणाम. और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप सभी गुणीजनों के समक्ष जो हमने प्रसाद हमारे पिताजी हमारे गुरु जी ने जो भी मैं उनके लिए बताऊँ उससे जो मैं ले सकाऊँ उसे साझा करने का शुभ अवसर हमको प्रदान किया पंजाब यूनिवर्सिटी का देकर. तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो शुभ अवसर प्रदान किया हमारे डॉक्टर साहब हमारे नीलम जी भी और आप सभी को. अगर कुछ नाम सूझ रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सभी हमारे वाइस चांसलर जी और सभी को मैं हृदय से यहाँ से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परम सौभाग्य को हमको प्रदान करने के लिए. अब हम हमारे साथ प्रांजल जी बांसुरी पर, सिद्धांत मिश्र जी तबला वादन पर और तानपुरा पर शुभ मिश्रा हमारे हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने स्वरों से आपका आशीर्वाद आप सभी का अशेष रूप से उपस्थित सभी हमारे सुनील श्रोतागण आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो. बहुत पुरानी एक बंदिश है जो मेरे पिताजी की
रचना है, मेरे गुरुवर मेरे पिताजी सुमृत सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, उनकी एक रचना है। मैं 3 साल में निबद्ध भय लिया, मोरा मन बस किन्हा देखो उभर ना, मत वारो वाको तीर थी नयन वार, तो निहार गई मानो ददुआ धार, अति रसाल है मृदुल बोल वाको, शोभा है अंग अंग अपार, मोरा मन बस किन्हा देखो उभर ना। मोरा मन
लगभग 80 वर्ष तो हो गए और
मेरे पिताजी ने तो बहुत ही अच्छा ये तो प्रसाद है, उनका प्रसाद तो बड़ा ही दुर्लभ प्रसाद है। अब स्मृति पिताजी की दिखाई हुई समरिया आओ समरिया तुम्हे जन्मा लगाए लू रक्त के भले तो आओ सवरिया
आव समझिया तुह करुणा, तुह करुणा, तुह करुणा, तुह करुणा, तुह करुणा, करुणा, तुह करुणा, जानू तुह करुणा। जब हम बहुत दुखी होते तब भी गले लग सकते हैं, तो अपनी अपनी भावना है गले लगने का, यहाँ अपना अपना एक व्यक्ति भाव है। जब हम किनार रूप में होते हैं हमारे खुशी मूल में Thank you.
आया करे मन भावा
दादरा में सखियां हैं और उनके आपसी संवाद है और भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे प्रेम के मूर्ति है, हमारे प्रेम के ही संबल है, उनका प्रेम का जो प्रतीक हम सब के लिए जीवनी शक्ति है, उनके समाचार एक मैसेज भेजा जा रहा है एक सखी के माध्यम से। सके कोई बात नहीं, स्वप्न में ही आ जाए, ये भावना है, क्या प्रेम है। सपनों में डर सपनों में डर दिखाया को जी, और क्या कहेंगे? विचार बन रहा है कि मौसम है, कभी भी
उसके बारे में। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जय हो पंडित जी आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। केसरी क्योंकि ऐसा हम लोगों ने सुना है पिताजी के मुख से कि मिर्जापुर में स्थित माता केसला देवी का मंदिर है और उन्हीं से अभिभूत होके केसला देवी से केसरी शब्द का उद्बोधन होने लगा। और ये हम लोग का जो यहाँ से जो लोक भाषाएं जो होती हैं इसमें ही एक कजरी का, जैसे भोजपुरी में ज़्यादातर हम लोग कजरी जो है वो भोजपुरी भाषा में जहाँ से मिर्जापुर और बनारस की जो अपनी शैली है। जन्म तो मिर्जापुर में कजरी का हुआ लेकिन बनारस में आने के बाद उनको शास्त्रीय अंग से एक सिरोया गया, जहाँ से हमारे गुणीजनों, हमारे गुरुजनों, हमारे संगीत महर्षिजनों ने। तो चूँकि दादरा का माहौल अभी बना है, अभी हमने फरवरी में भी दादरा सेवा में दिया एक कचरी जो जिनके बोल हैं, हमके सावन में झुलनी गढ़ाए गए पिया दिया बचाए गर पिया। इसमें क्या है कि सावन का पूरा एक अलग अभी माहौल बना हुआ है और सावन का एक महीना भी चल रहा है, अब आखिरी ये चल रहा है हफ्ता। तो इसमें क्या है कि नायिका जो है अपने नायक कहती है कि हमके सावन में झुलनी गढ़ाए दर पिया दिया बहलाए दर पिया, आई सावन की बाहर लागे मिलवा बजार। हालांकि दो वर्ष से कोरोना काल ऐसा चल रहा है कि हम लोग अपने संगीत से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर इससे मुक्त करें ताकि हम लोग फिर वही और आनंद से परिपूर्ण हो जाए हम और आप। तो इसमें ये सावन में झूला लगता है, हम लोग झूला भी झूलते हैं और एक अलग आनंद आता है, एक अलग माहौल मिलता है। आई सावन की बाहर लागे मिलवा बने, चारों तरफ जो मेला लगा है और अपने संग संग में मिलवा घुमाए द पिया जिया बहलाए द पिया। जो त्रुटि होगा क्षमा करिएगा। हमके सावन में ओ
हम के सावन में एक नायिका कैसी है, हम के सावन हमके सावन में घूमनी गहाँ हमके सावन में घूमनी गहाँ हमके सावन में झूठी बढ़ाए दिया हमके सावन में झूठी बढ़ाए दिया बहुना हमके सावन में झूठी बढ़ाए दिया जिया बहुना क्या बात है, वाह आई पवन की बाहर लागे मेरा बाहर बजार आई पवन की बाहर आई पवन की बाहर लागे मेरा बाहर बजार लागे मेरा बाहर लागे मेरा बाहर बजार लागे मेरा बाहर लागे मेरा बाहर लागे मेरा बाहर अपने संग संग में अपने संग संग में अपने संग संग में मिलवा घुमाए दिया सावन में हमके सावन में जीवनी करना दिया अब देखिए नायिका का अपना एक मन है उसने जो झूठा मारा जो जुलनी मारा वो सोने का मारा और उसमें भी देखिए कई प्रकार का डिमांड है रहे सोने का झूलनिया रहे सोने का झूलनिया ओ में हीरा का बिजुरिया रहे सोने का झूलनिया ओ में हीरा का बिजुरिया ओ में हीरा का बिजुरिया ओ में हीरा का बिजुरिया ओमे मोतियन कहा ओमे मोतियन का पतिया लगवाए हमके सावन में हो हमके सावन में हमके सावन में सावन में झूठी कहा दिया बहुत तेरा नाम देखिए सावन में कुछ झूला झूलते झूला नायिका का विमान झूला डाल के लगवाता झूला डाल के लगवाते छोटी नदी से सजवा झूला डाल के लगवाते नदी से सजवा छोटी नदी से सजवा हमारे झूलवा के तो ही हमारे झूलवा के तो ही झूला दिया दिया बहला दिया हम के झूली दिया बहला हमके सावन में हमके सावन में झूली हमके सावन में झूली बहला लगी रही बहला हमके सावन में हमके सावन में
जो त्रुटि हुआ हुआ क्षमा करिएगा। इसी कैटरी के साथ हम विदा चाहते हैं, जैसा आज्ञा करिए। जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन हम गा सकते हैं। सावरिया मन भायो Thank you.
वाह क्या बात
बहुत अच्छा गाने के संग गाने के साथ संगत तबले की रही, बांसुरी की रही और मजा आ गया। क्या बात है, गाने में भी जो है इतना बढ़िया जवाब नहीं जी। मैडम ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करवाया है, ऐसा लग रहा है। हरी मैडम जो है आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, धन्यवाद भाई, बहुत आप लोगों बहुत, का ही सहयोग है। बहुत अच्छा, क्या बात है जी जी। हमें तो बहुत अच्छा कार्यक्रम, ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ भी ना बोले बीच में और सुनते रहे, गाना सुनते रहे, ऐसा बिल्कुल बनते रहे हुआ था। सही बात जी जी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रस्तुत। अभी मैं फिर से एक बार मैम से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जो आज के कलाकार हैं उनका औपचारिक रूप में धन्यवाद भी करें। प्रोफेसर नीलम पॉल जी, धन्यवाद डॉक्टर राय बहादुर जी। और मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं गणेश भाई का धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आप तो जहाँ पर कला के क्षेत्र में जहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि जितना ज़्यादा सुन सकें आपसे, जितना ज़्यादा सीख सकें, वो हमारा धन्य भाग होगा, क्योंकि आप तो कला के बहुत अच्छे उस पर सीमा पर पहुँच चुके हैं और होंगे भी ज़रूर, क्योंकि इतने गुणी और इतने क्या कह सकते हैं कि ख्याति लब्ध महान गुरु जो आपके पिताजी हैं उनसे आपने तालीम ली है, तो बिल्कुल आप उनके बताए हुए रास्ते पर बहुत खरे उतर रहे हैं भाई। बाकी औपचारिकता की जहाँ तक बात है, हम लोग जिस सिस्टम में है वहाँ पर अभिवादन और धन्यवाद दोनों का ही एक सिस्टम रहता है। आज का जो आपका कार्यक्रम, आपका जो आज का कार्यक्रम आपके सहयोगियों के अपने जो सिद्धांत मिश्रा जी हैं और प्रांजल जी हैं, शुभ जी हैं, इनके सहयोग के साथ आपका जो गायन आज हम लोगों ने सुना है, वाकई बनारस का जो एक पारंपरिक संगीत है वो पूरा का पूरा हमारे सामने हुआ है और बहुत समय के बाद ये गाना, ऐसा ठोस गाना सुनने को मिला है। शुरू होते ही एक लेवल से शुरू हुआ और अंत तक वो लेवल आपने कायम रखा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कितने टाइम से सुन रहे हैं इस गाने को, नहीं तो शुरू शुरू में स्थापित होता है गाना फिर जाके बढ़ता है, आपका शुरुआत ही इतनी धुआंधार रही कि बहुत अच्छा लगा। और इतना मिठास, इतना ठहराव, शांत सहज रूप में आपने जो गाना गाया है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा काम जो किया है वो तो सभी लोग सुन रहे हैं, हम लोग तो हमें सबको समझ आ रहा है, तो हम लोग तो हृदय से आपके बहुत आभारी रहेंगे हमेशा कि ऐसा अच्छा गाना आपने ऑनलाइन हमें जो सुनाने का किया, हम लोग उसके बहुत ऋणी हैं, आभारी रहेंगे हमेशा। और हमारी बड़ी लगता है कि सब कुछ अच्छा रहा, तो अभी हम आपके वहाँ पर भी आएंगे जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूर आना ही होगा आपको, हम विनती करेंगे आप जरूर आइएगा वहाँ आकर के हम लोग प्रस्तुति करेंगे। और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोतागण, सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, रिसर्च स्कॉलर्स, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो हमारे विभाग के हैं या कहीं और अन्य विभागों से जुड़े हुए हैं, सभी का आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हम सब कुछ ना कुछ आज के वेबिनार से अपने झोली में डालकर जाएंगे और जो हमारे आगे जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपने विभाग के किसी भी सदस्य का धन्यवाद करने की मेरी इच्छा नहीं है। शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो पूरा आनंद लिया और धन्यवाद तो हमारे पास आज के कलाकार का बनता है जिनकी वजह से, और राय बहादुर जी का तो बहुत ही धन्यवाद, सबसे पहले हम राय बहादुर जी का धन्यवाद देते हैं आज सबको। हम लोग ये ऐसा कुछ नहीं है, राय बहादुर जी हैं, दयाल जी हैं, प्रभाकर जी हैं, अनिल जी हैं, और भी हमारे सदस्य आ रहे हैं, हम लोग सारी टीम है, सब मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं, 19 है कोई 20 है ऐसे ही चल रहा है, बहुत जी। तो इसी के साथ गणेश भाई आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको भगवान खूब दीर्घायु, खूब स्वस्थ रखें,
खूब आनंदमय हेल्दी और वेल्दी दोनों तरह से आपको आशीर्वाद प्रदान करे बाबा महादेव जी, इनकी नगरी में आप रह रहे हैं तो सब तरह से आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, संगीत का भी आशीर्वाद बना रहे। मेरी आवाज जा रही है ये कुछ इको होके आ रही है सर, अलग तरह से गणेश भैया आपसे बात कर रहे हैं, प्रभाकर जी। अच्छा जी भैया मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। ऐसा आपने आज गायन किया है कि ऐसा लग रहा है कि बनारस में बैठ के संकट मोचन मंदिर में जो संकट मोचन महोत्सव होता है वो बैठ के हम लोग सुन रहे हैं। बहुत भैया बहुत अच्छा गाए और इतना सुर में वो पुरानी चीजें जो हम सुनते थे और वो याद आ गए गुरु जी। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समुद्र और इतना अच्छा गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया सुना। भाई वाह, पूरी पूरी टीम को बहुत संगत किया है, तनपुरा हारमोनियम बांसुरी वाले बकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए, अगर हमारे साधना का एक अंत भी अगर आपके हृदय तक पहुँच गए और आशीर्वाद बन के अगर हम लोग को मिल गया तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात। अरे और राय बहादुर जी भैया, डॉक्टर साहब, आप तो भी बहुत क्या बताऊँ, हम लोग को बहुत अच्छे शब्द नहीं रहते हैं, लेकिन ये है कि जो कहना चाहता हूँ वो हमारे भाव है उसको नीलम जी, मैं भी सभी से जुड़ना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर मैम, जरूर आइए आइए, प्लीज आइए। बहुत बहुत आनंद आया और आपको ऐसे अवसर हमें प्रदान कराते हैं तो आप सब राष्ट्रीय डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश भैया, ये हमारे यहाँ चंडीगढ़ में मैडम है डॉक्टर सिमी आर सिंह, अभी रिटायर हो चुकी है लेकिन उन्होंने जो आपके सामने अपनी बात कही है मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट होकर आ रही थी, तो ये कह रही है कि जो आपने गाना सुनाया और हमने दूर बैठ कर सुनाया तो उसके लिए वो आपके बहुत धन्यवादी है। अच्छा अच्छा, उनको उनको प्रणाम दीदी को और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हूँ मैं उनका, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ जी। इसी के साथ हम वेबिनार को संपूर्णता की तरफ ले जाते हैं। तो मैं एक बार विशेष रूप से धन्यवाद पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी का इसलिए भी करना चाहता हूँ कि लास्ट में जो उन्होंने भजन गाया वो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, सामाजिक सौहार्द बनाने रखने का, उन्होंने सभी धर्मों का स्वीकार करने का जो बात कही उसकी समय के अनुसार ज़रूरत है हमें, तो हम इससे अच्छी सीख लें और सब मिलजुल कर रहें, सभी अच्छे से रहें, इसी कामना के साथ आज के वेबिनार का हम समापन करते हैं। तो बहुत जल्दी आपके समक्ष नए वेबिनार के साथ प्रस्तुत होगी, तब तक के लिए।